आगरा से बड़ी खबर आ रही है। ये खबर है रानी पक्षालका सिंह जो बाहर से विधायक हैं और राजा हरदमन सिंह के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं। बसपा के लेटर हेड पर इन दोनों को गोली मारने की धमकी दी गई, यानी जान से मारने की बात कही गई है। धमकी भरे पत्र इनको मिले हैं। इन पत्रों के बारे में राजा और रानी ने पत्रकारों को बुलाकर जानकारी दी। उन्हें ताज्जुब है कि इस तरह की धमकी कोई उनको दे सकता है। वैसे आपको बता दें कि हरदमन सिंह स्वयं में बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनको धमकी देने पर हर किसी को ताज्जुब हो रहा है, लेकिन धमकी दी गई इसमें कोई शक नहीं है। हरदमन सिंह ने इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, DGP UP आदि को और उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय अधिकारियों को अवगत करा दिया है। योगेश कुमार विमल नामक व्यक्ति ने ये धमकी भरा पत्र उनको भेजा है। पदावर हाउस में इस बारे में पत्रकारों को बुलाकर जानकारी दी गई और ख़ास बात ये भी है कि यह धमकी भरा पत्र बसपा के लेटर हेड पर दिया गया है। बसपा का इस पर चुनाव चिन्ह बना हुआ है और बसपा के पदाधिकारी का नाम योगेश कुमार विमल और उसके पद का नाम भी अंकित है। बसपा का नाम आने के कारण इस धमकी भरे प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। हर कोई जानना चाहता है कि धमकी देने वाला असली है या नकली है। जानते हैं क्या कहते हीरा साहब, हैं। एक पत्र मिला है धमकी भरा, उस पत्र में क्या लिखा है, कहां से वो पत्र आया, क्या जानकारी है, क्या सुरक्षा की मांग है? भद्रौली ग्राम सभा का अपने आप को बताता है, बहुजन समाज पार्टी के लेटर हेड के विमल नाम का कोई व्यक्ति है, उसने हमको धमकी दी है। हमारे हमारी पत्नी जो वहां से विधायक है कि हम पिस्टल से आप पीतल भर देंगे, मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी हत्या कर देंगे। किस किस से शिकायत की अभी आपने इसकी? ये समस्त और समस्त आला अधिकारियों यहाँ से SSP से लेके DGP तक और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, गृह सचिव को भी और दोनों डिप्टी CMO को भी ईमेल द्वारा। क्या लगता है उस पर विमल कुमार नाम लिखा हुआ है, क्या इसी व्यक्ति ने भेजा है कि किसी की शरारत भी हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए? हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन धमकी तो आई है। ये तो पुलिस का काम है कि इसमें पूरी जांच पड़ताल करके अगर व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया जाए, मतलब उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आखिर ये हम लोग को धमकी किस वजह से क्यों दे रहे हैं? ठीक है। पोस्ट से आई, रजिस्टर्ड पोस्ट से आई है चिट्ठी, बहुजन समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पे आई है और योगेश कुमार विमल करके कोऑर्डिनेटर कोई है वहाँ पे, जिसके द्वारा ये चिट्ठी भेजी गई है। गाली वगैरह है और धमकी दी है कि हमको राज साहब को गोली मार के गोली से भर देगा, मतलब उस तरीके की। और वजह सिर्फ ये है, जहाँ हमको समझ में आ रहा है कि राजनीतिक वजह ही है जो हमको समझ में आया है। चिट्ठी आप लोग देख लीजिए किस तरह से, कब लेटर आया? कल आया था। मैंने SSP साहब, IG साहब, ADG साहब, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह सचिव और DG और ADG लॉ एंड ऑर्डर सबको अवगत करा दिया है। मैं ये लोग पढ़ लें। अब जांच हो जाए और फिर कार्रवाई जो उचित समझे मुख्यमंत्री और सब मिलके। ठीक है।